नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जयलक्ष्मी नारायण, आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। आज बोकारो में जो 28 तारीख को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा करने का जो तैयारी है, जो शिवंडी के करबला मैदान में होगा, उसकी तैयारी को लेकर झारखंड अल्पसंख्यक मोर्चा के जो प्रभारी हैं उमेर खान जी, वो बोकारो जिला प्रवास कर रहे हैं। और क्या तैयारी है, पूरे झारखंड में से कितने लोग आने वाले हैं, इस कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूरे राष्ट्रीय स्तर के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो आने वाले हैं। तो हम लोग जानेंगे इनसे कि क्या क्या तैयारी है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या तैयारी है सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, आप प्रभारी हैं, पूरे झारखंड में घूम रहे हैं, क्या क्या लग रहा है इससे, जो ये जो रैली होने वाली है उसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए पत्रकार महोदय, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। भारत जोड़ो यात्रा का रिजल्ट आपको दिख गया कर्नाटक में। हम लोग देश की राजनीति को मुद्दे पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा के जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है वर्तमान सरकार के द्वारा, उस मुद्दे पे लाने के लिए राहुल गांधी जी के साथ मैं भी चला था कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्री के तौर पर। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी भी, जब भी उनको मौका मिला उस यात्रा में, पद यात्रा में, वो भी शरीक हुए और कश्मीर तक थे। तो एक दूसरी कड़ी है जिसकी शुरुआत हमारे जो अभी नए चेयरमैन बने हैं मंजूर अंसारी साहब, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बोकारो से और बोकारो के करबला मैदान से। भारत जोड़ो सम्मेलन, भारत को जोड़ने का सम्मेलन है। नौजवानों के रोज़गार की बात होगी, बच्चियों की माँ बहन की सुरक्षा की बात होगी, गरीब को न्याय दिलाने की बात होगी, शिक्षा संस्थान को बेहतर बनाने की बात होगी, नफरत को ख़त्म करने की बात होगी, संविधान में जो मौलिक अधिकार है आम नागरिक का, उसको बचाने की बात होगी। तो भारत जुड़ेगा और देश सुंदर होगा। खान साहब, एक चीज़ बताएंगे कि इस बार अभी झारखंड में जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं चेयरमैन मंजूर अंसारी जी, उनका गृह जिला है बोकारो, गांव गांव घूम रहे हैं, लोगों को आग्रह कर रहे हैं, खासकर अल्पसंख्यक जो मोहल्ले हैं या गांव हैं वहां जाकर, क्या लग रहा है इस जो सम्मेलन को लेकर, उत्साह कैसा लग रहा है और मंजूर अंसारी जी का क्या प्रभाव लग रहा है कि स्थानीय स्तर पर जो यहां के उनका गृह जिला है तो उनके असर से लोग भीड़ जुटने की आशंका? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि मंजूर अंसारी जी का भी गृह जिला यही है जो अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं, और हमारे जो पीसीसी चीफ हैं राजेश ठाकुर जी, उनका भी गृह जिला यही है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों के बीच में उत्साह इतना है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बैनर तले ये प्रोग्राम हो रहा है, मगर कल से हम सिख कम्युनिटी के तमाम लोग जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में आते हैं वो थे, आज हम जैन समाज के लोगों से मीटिंग हुई है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों से मीटिंग हुई है, और मेजॉरिटी कम्युनिटी के तमाम लाइक माइंडेड लोग इतना उत्साहित हैं कि एक बहुत अच्छी पहल है भारत जोड़ो सम्मेलन जो बोकारो से शुरू हो रहा है। मुझे लगता है ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा, एक ऐसा अच्छा मैसेज जाएगा पूरे झारखंड प्रदेश में और बोकारो का मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, और इसी इस तरह के सम्मेलन से हम भारत की सुंदर गंगा जमनी तहजीब को भी बचाएंगे और भारत के लोकतंत्र को बचाएंगे, राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करेंगे, कांग्रेस की विचारधारा के साथ तमाम भारतवर्ष के लोग जुड़ेंगे और मुल्क बेहतर होगा। आप प्रभारी हैं इस कार्यक्रम के, पूरे झारखंड के कौन कौन से जिले से लोग आ रहे हैं और कहां से ज़्यादा आने की संभावना? देखिए, झारखंड के तमाम ज़िले से लोग आएंगे, मगर ज़्यादा आने की संभावना तो वही है जो बोकारो का सराउंडिंग ज़िला है, लाइक धनबाद, रामगढ़, रांची से बहुत सारे लोग आएंगे, बाकी और सारे ज़िलों से, हर ज़िले से रिप्रेजेंटेशन होगा, गाड़ियाँ हर ज़िले से आएंगी इस प्रोग्राम में। और मुझे लगता है कि जो मैसेज लेके भारत जोड़ो सम्मेलन से लोग अपने गांव में जाएंगे, इसकी चर्चा सुदूर एरिया में होगी और आम नागरिक जागेगा और अपने अधिकार की बात करने लगेगा, राहुल गांधी के उस नारे को फिर से दोहराएगा कि डरो मत, अधिकार की लड़ाई लड़ो, और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलना शुरू हो जाएगी। भाजपा ने भी तैयारी शुरू कर दी है, आगामी लोकसभा है, फिर झारखंड में विधानसभा भी है, तो क्या कांग्रेस को भी इसी जैसे भारत जोड़ो यात्रा चला पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए जो राहुल गांधी घूमे, और ये भारत सम्मेलन जो आप बता रहे हैं, क्या लगता है भाजपा से कहीं मिलाने उनकी कार्यक्रम की तैयारी और आपकी कार्यक्रम की तैयारी की कहीं जोरदार शुरुआत तो नहीं? देखिए, हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है,
वो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस मुल्क में है, गरीबी वैसी ही है, महंगाई वैसी ही है। बोले थे डॉलर, रुपया जब डॉलर के बराबर गिरता है तो केंद्र में बैठी सरकार की गरिमा गिरती है। 80 के पार डॉलर हो गया, आर्थिक संकट में मुल्क है, मुल्क को आर्थिक गुलामी की तरफ भेजा जा रहा है। मगर यहाँ कथनी और करनी एक है। 5 गारंटी दिया था हमारी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, सोनिया जी ने, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने कर्नाटक की जनता के पास ये कहा था कि ये 5 गारंटी हम दे रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने बेरोजगारी ऐसी कर दी कि 2 साल तक जो डिग्री होल्डर युवा है उसको हम भत्ता देंगे, गृहिणी को अब इतना पेंशन देंगे, 200 यूनिट बिजली देंगे, 10 किलो चावल देंगे, फ्री बस सर्विस देंगे। तो ये पहली कैबिनेट में कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। तो जनता समझ रही है कि कांग्रेस के ही नेतृत्व में इस देश का निर्माण हुआ है, और पिछले 9 साल में जो नकारात्मक सोच वाले लोग इख्तदार में बैठे उन्होंने मुल्क को कहाँ पहुंचा दिया, तमाम समाज के ताने बाने को तार तार कर दिया, आर्थिक संकट में मुल्क आ गया, चारों तरफ भय और नफरत का माहौल पैदा कर दिया। भाजपा तो कह रही है कि पूरे 20 पटल पे नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है उससे पूरे पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। खुद मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। विश्व पटल पर भारतवर्ष का नाम किसके ज़माने में क्या हुआ था, पढ़ने लिखने वाले लड़कों को उसकी हकीकत जानना चाहिए। इनके पास प्रचार तंत्र ऐसा है कि झूठ को इतना कायदे से बोलते हैं कि लोग सच मानने लगते हैं। उसी जो झूठ को झूठ सिद्ध करने के लिए तो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, और अब भारत जोड़ो सम्मेलन शुरू हो रहा है। पूरे भारत के लोगों को एक साथ जोड़ना है, और एक साथ जोड़ के तमाम भारत के आम नागरिकों के मौलिक अधिकार को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, भारत की सुंदर गंगा जमुनी तहजीब को बचाना है, सुंदर भारत के संविधान को बचाना है, लोगों के अधिकार को बचाना है। 2000 का नोट अभी बंद कर दिया गया, क्या कहेंगे? जो बैन लग रहा है कि आपको 4 महीने का समय है वापस कर लिया जाए, इसको लेकर क्या राय है भाई? ये हमारे नेता ने तो नेक्स्ट डे बोला था, जिस दिन मोदी जी ने नोटबंदी किया था और 2000 के डिनोमिनेशन का नोट आया था, राहुल जी की पुरानी स्पीच उठा लीजिए, बोले ये कौन सा तर्क है कि 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट ला रहे हैं, तो काला धन तो 2000 के नोट से ज्यादा बढ़ेगा। और आज सरकार वही बोल रही है 7 साल के बाद जो राहुल जी ने कहा था। राहुल जी जो बोलते हैं ना, 6 महीना के बाद सरकार को उसको मानना पड़ता है। मगर क्योंकि जब 2000 का नोट बंद करना था तो मोदी जी यहाँ नहीं थे, मगर 500 और 1000 का नोट बंद करना था तो फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं बोला था, आरबीआई के गवर्नर ने नहीं, मोदी जी ने बोला था, मोदी जी विदेश में थे। 2000 का नोट बंद हो गया, फिर से लोगों को लाइन में खड़ा करो और नोट को बदलवाओ, तो भाई उसकी प्रिंटिंग में जो खर्चा हुआ था पत्रकार महोदय, वो भारतवर्ष के आम नागरिक के टैक्स पेयर का पैसा है, उसका कोई वो नहीं है। पूरी सरकार तो हमारी मेहनत से चलती है। इसलिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस का उद्देश्य और हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन का उद्देश्य है कि हम इस तरह के सम्मेलन से लोगों को मुद्दे पे आएं, भारत की जो वास्तविक स्थिति है उसको बताएं, मुल्क को सशक्त बनाएं और समाज को। आखिरी में क्या आग्रह करेंगे बोकारो जिले के तमाम अल्पसंख्यक लोग और लोगों से कि इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, क्या रहेगा? भारत वर्ष के तमाम बोकारो जिला के तमाम नागरिकों से, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सबसे मैं विनती करता हूं कि आइए और इस प्रोग्राम में सम्मिलित होइए, क्योंकि आपका भी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब भारत जोड़ने का सम्मेलन चल रहा था तो हम भी वहां खड़े थे, नफरत को खत्म करके मोहब्बत की आवाज दे रहे थे। तो आपने सुना, ये थे उमेर खान जो ये पूरे झारखंड अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी हैं, और इस कार्यक्रम को किस प्रकार से सफल बनाना है वो पूरे प्रदेश में घूम घूम कर लोगों को आग्रह कर रहे हैं इस कार्यक्रम में आने के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, डी फोकस, सर्किट हाउस, बोकारो।